वेलकम टू श्रुति सुनस व्लॉग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप सभी को तो पता ही है कि हमारे घर पे गौरी बैठी है। तो हमारी गौरी का सेकंड डे है और आज हमारे घर पर सवासनी जिमाई जाएगी, जो सुहागनें रहती है उनको खाना खिलाया जाएगा और इवनिंग में हमारे हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम होगा और सभी का खाना भी रखा है हमारे घर पे। तो आप सभी का वेलकम है हमारे गौरी के आगमन में। आप भी हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम में इन्वाइटेड है, तो आप सभी भी आ सकते हैं। सो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, तो आप भी चलो मेरे साथ में। मैं आई हूँ ऊपर देखने के लिए और खाना बनना स्टार्ट हो चुका है। पुलाव का तड़का और पनीर भी कट चुके हैं और आटा भी गूंदा जा रहा है, पनीर फ्राई हो रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ नीचे। मैंने सारे नाश्ते की चीज़ें पहले रख ली थी बट मैं ये रखना भूल ही गई थी, तो मम्मी फिर अब रख रही है। और आई एम सॉरी गाइस कि मैं अपने महालक्ष्मी का ब्लॉग काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, उस वजह से मैं कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पाई थी। और पापा हार लेकर आए थे महालक्ष्मी को चढ़ाने के लिए, तो मम्मी वही चढ़ा रही है महालक्ष्मी जी को। पूरनपोली का पूरन रेडी हो चुका है और अब पूरनपोली बनने वाली है। ये हमारी चाची पूरनपोली बना रही है। तो मम्मी आटे में पूरन भर के पहले से रख रही है और चाची बेल रही है। ऐसे करते हैं तो जल्दी बन जाती है पूरन पोली। और गाइस आपको पता है हल्की हल्की बारिश होने लगी, उस वजह से हमें खाने का सामान नीचे लाना पड़ा। और अभी कढ़ाई में भी देखो पानी भी चले गया हमारे और बहुत ही हवा चल रही है। और फाइनली अभी बारिश बंद हो गई तो फिर से खाना बनना स्टार्ट हो गया। फिर भी देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, अभी भी कितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और ऊपर खाना बन रहा है और हल्की सी बारिश भी हो गई थी बट अभी बंद हो गई, लेकिन अभी फिर से बारिश का मौसम होने लगा है और इतनी तेज़ देखो हवा चल रही है। पांच प्रकार की मम्मी पत्तियां तोड़ के लाई थी और उसको इकट्ठा करके मम्मी ने गुलदस्ता बनाया छोटा। तो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी करती रहती है मम्मी। और मैं यहाँ पर रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इतना चलने में आ गया तो मेरा पैर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है। और समारा यहाँ पर लीव से खेल रही है। हमारा जो नैवेद्य है वो बन चुका है और नैवेद्य रख रहे हैं। और नैवेद्य में पूरन पोली, आमटे, गुड़वनी, ये सब का नैवेद्य रखा है और जो भी खाना बनाया था वो भी रखा है, पूरी सब्जी और पुलाव। और बस पूड़ी तलना ही बाकी रह गई थी और बस पानी आने लगा था, फिर वापस से पूड़ी वगैरह बनने लग गई है। बस थोड़ी बहुत पूरी बाकी रह गई है और नैवेद्य रख चुके हैं और भगवान के सामने भी रख दिया है। और ये देखो समारा को उसके जो खिलौने हैं वो फ्रूट्स वगैरह वहाँ रखे थे तो उसी से खेलने लग गई। और ये वही नहीं हमारे गणपति पप्पा को भूख लगा रही है। तो भगवान की कृपा से बारिश बंद हो गई और हमारा खाना प्रॉपरली सब कुछ अच्छे से बन चुका है। तो खाने में पूड़ी और ये है आमटी और ये है गुड़वनी और ये है सब्जी छोले और पनीर की और इसके अंदर भजिए है और ये थैले के अंदर कुड़वी रखी गई है और ये है पुलाव और इसके अंदर भी पूड़ी है और ये है गुलाब जामुन और ये है पापड़। तो पापड़ में मसाला बाकी रह गया था तो मम्मी वही डाल रही है। तो हम लोग अब आरती करने वाले हैं। सो गाइज आई नो कि मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट अपलोड हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, हमेशा सोचती हूँ कि कंटिन्यू व्लॉग अपलोड करती रहूँगी टाइम टू टाइम, लेकिन मेरी तबीयत ही ख़राब हो जाती है, इस वजह से मैं व्लॉग उसी टाइम अपलोड नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आप मेरा व्लॉग अगर अभी देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मैं गौरी का एक और व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ इसके बाद, तो आप वो भी बिल्कुल देखना और उसे भी लाइक और इसी तरह सपोर्ट करते रहना। गाइस मेरे को टॉन्सिल्स हो रहे थे तो इतने ज़्यादा दर्द कर रहे थे, तो अज्जी मालिश कर देती है ना तो ठीक लगता है, तो मैं अज्जी से अभी मालिश ही करवा रही हूँ। और जो हम लोगों ने सवासनी जी को बुलाया था, जो दो सवासनी है गौरी की, दो सवासनी हम खिलाते हैं, तो वो दो जो सवासनी है वो आ चुकी है, तो उन लोगों को खाना खिलाएँगे, उसी के बाद हम खाना स्टार्ट करेंगे सभी को खाना खिलाना।
गौरी की दो सवासनी तो हमने करी ही थी, लेकिन फिर हमने बाकी लोगों को भी, सुहागनों को भी बुला लिया था खाना खाने के लिए। और परी कितनी क्यूट लग रही है, कितनी अच्छी ड्रेस लग रही है परी की। और ये है अनवय, जिसको मैंने अभी राखी बांधी थी ना। बड़ी मम्मी सभी को हल्दी कुमकुम कर रही है। और ये लोग के यहाँ बड़े लोग से पैर नहीं छुवाते, लेकिन आज हमारे यहाँ सवासनी है तो हम लोग आज के दिन सभी के पैर पड़ते हैं, जो छोटे रहते हैं उन्हीं के भी। और यहाँ पर बड़ी मम्मी, इन लोगों का खाना हो गया है तो बड़ी मम्मी इन लोगों को पान और हल्दी कुमकुम लगाकर इनकी ओटी भर रही है। वासनियों का खाना हो चुका है, आई मीन सुहागने खाना खा चुकी है। और अब हम बाकी के घर के लोगों भी खाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, 2:30 तो बज चुकी थी। तो अब घर के लोग सब खाना खाएंगे और बाहर के लोग भी आएंगे आज इवनिंग में खाना खाने के लिए। और फिर शाम को इवनिंग में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम भी होगा, तो सभी गेस्ट भी आएंगे। और अभी मुझे इन्वाइट करने भी जाना है इवनिंग के लिए। बाहर खाना चल रहा है और हम यहाँ पर अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। बाहर लोग भी खाना खा रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पर खाना खाने बैठ गए, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम हो गया था और 4 बज गई थी हम लोगों को, तो हम लोग भी खाना खाने बैठ गए हैं अभी। गाइज़, मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि मेरे गौरी के पार्ट और भी आने वाले हैं, तो मेरे वीडियो पर ऐसे ही बने रहें और कंटिन्यू मेरे ब्लॉग को ऐसे ही देखते रहें। हेलो एवरीवन, सो अब हम जा रहे हैं हल्दी कुमकुम में इनवाइट करने के लिए सभी को। मैं बहुत सारी जगह गई थी इनवाइट करने के लिए, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ओवर कर रही हूँ। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना।